नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भू आवासीय अधिकार पत्र वितरित किए। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बैतूल में आयोजित मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम और महिला सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जिंदगी बदल देगी। ये सामाजिक क्रांति है। इसके 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ मैं सामाजिक क्रांति की शुरुआत कर रहा हूँ। मुगल कालीन शासन में परंपरा बदली, बहनें दोयम दर्जे की बन गईं, लेकिन अब दौर बदल गया है। बेटियां जन्म लेने के पहले मारी गईं, 1000 बेटों पर 900 बेटियां बची, इसलिए हमने लाडली लक्ष्मी बहना योजना बनाई। आज 44 लाख लाडली लक्ष्मी प्रदेश की धरती पर है। आज 1000 बेटों पर 956 बेटियां हैं। हमने तय किया है कि बेटियों को सशक्त करना है, इसलिए चुनाव लड़ने पर 50% आरक्षण दिया है। पुलिस भर्ती में 30% आरक्षण दिया है। मुख्यमंत्री ने यहां कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बांधी 101 फीट लंबी राखी। जिले की सभी 556 ग्राम पंचायतों की लाडली बहनों के द्वारा भेजे गए सूत के धागों से स्व सहायता समूह की महिलाओं ने 101 फीट लंबी राखी बनाई। मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचते ही बहनों ने मुख्यमंत्री भाई को ये राखी बांधी। लाडली बहना योजना का बैच भी मुख्यमंत्री को पहनाया गया। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। में कहा गया था, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वही निवास करेंगे जहां माँ बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। यह हमारी संस्कृति है। जो राम से पहले सीता का नाम लेती है, हम सीता राम कहते हैं। भगवान शंकर के पहले गौरी को पूजती है, हम गौरी शंकर कहते हैं। कन्हैया का नाम लेने के पहले राधे को पूजती है, हम राधे कृष्ण कहते हैं। और भगवान विष्णु का नाम लेना हो तो लक्ष्मी नारायण हम कहते थे। ये हमारी संस्कृति थी। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, धीरे धीरे मुगल कालीन जो शासन काल आया उस समय ये परंपरा बदलती चली गई और धीरे धीरे मेरी बहनें दोयम दर्जे की नागरिक हो गई। हालत ये हो गई कि बेटा जन्म लेता तो घर में खुशी मनाई जाती, भैया आया है, घर का दीपक है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। अब बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लठ देगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन बेटा हमेशा बुढ़ापे की लाठी का सहारा, और बेटी आ गई तो माँ का चेहरा भी उतर जाए। जैसे बेटी नहीं आ गई हो, आफत आ गई हो। हालत इतनी बिगड़ी मेरे बहनों और भाइयों कि बेटी जन्म ना ले ले, बेटी पैदा ना हो जाए। और इसलिए अगर जन्म के पहले ये पता चल जाए कि बेटी आने वाली है तो बेटी को कोख में ही मार दो, पेट को कतल खाना बना दो। कई लोगों ने ये पाप किया है, पाप, कोख को कतल खाना बनाया गया है। बेटियां जन्म लेने के पहले मारी गई है। और इसलिए धीरे धीरे ये हो गया कि बेटों की संख्या बढ़ती गई, बेटियों की संख्या घटती गई। 1000 बेटों पे 900 बेटियां बची। मुझे बताना मेरी बहनों और भाइयों, क्या ऐसे दुनिया चल सकती है? कैसे सृष्टि चल सकती है? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? ये दुनिया नहीं चल सकती। बताओ, आज मैं पूछ रहा हूं, मेरी आवाज अगर पीछे तक जा रही हो, बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? जोर से बताओ, चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। लेकिन आधी आबादी के साथ अन्याय, और इसलिए पहले हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। और लाडली लक्ष्मी योजना में आज मुझे कहती हुई खुशी है मेरी बहनों, 44,50,000 मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। और उस एक योजना के कारण